देख रहे हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। ये मैंने बनाया है अपना कोरियन स्ट्रीट ऑमलेट गारन मारी, है ना कितना शानदार और कितना खूबसूरत है देखने में। खाने वाला आंखों से ही पहले खा जाएगा। तो आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरा कोरियन ऑमलेट गारन मारी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश डिजिटल किचन से। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोरिया की वन ऑफ द स्ट्रीट फूड है। ये है कोरियन स्ट्रीट एग रोल। बहुत ही आसानी से बनते हैं और इसके अंदर में आप चाहे मिर्च और टमाटर डालें ना डालें, परंतु प्याज जरूर डालिएगा। और इसको बनाने के लिए मैं किस तरीके से इसको शुरू करता हूँ और किस तरीके से इसको बनाता हूँ, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे, 2 टमाटर, 1 प्याज। मैं फिर कह रहा हूँ, टमाटर और हरी मिर्च बेशक मत डालिए, प्याज ज़रूर डालिएगा इसके अंदर में। और बाकी हरी मिर्च आपके ऊपर है कितनी डालनी है, और थोड़ी सी सॉल्ट और पेपर जाएगी। तो अब मैं इन सबको चॉप करके और अंडों को तैयार करके आपसे मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा सा फाइन चॉप कर लिया। फ़ाइन इसलिए चॉप किया दोस्तों, क्योंकि आज जब अंडे को जिस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करना है, उसको फ़ोल्ड करते टाइम ये अगर ज़्यादा बड़े हुए तो ये फोल्डिंग के अंदर में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा फ़ाइन चॉप किया है। आप चाहें, मैं जैसे मैंने पहले बताया, टमाटर और हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, वैसे तो आप दोनों को इकट्ठा कर भी सकते हैं, यानी कि योक और वाइट को एक साथ ही बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर योक को सेपरेट कर लिया है और वाइट को सेपरेट कर लिया है। और मैं दोनों को अलग अलग बीट करूँगा। दोनों के अंदर में ही मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्ट, ये पेपर डाल दूँगा और डाल दूँगा थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ज़्यादा कम ज़्यादा जो है अपने स्वाद अनुसार करिएगा। और बस अब इनको मैं बारी बारी अलग अलग बीट करता हूँ और फिर उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एक छोटी सी टिप दोस्तों, जब हम एग वाइट को अलग से बीट करते हैं तो ये बहुत जल्दी ही फ्लफी हो जाता है, इसलिए इसको अलग से करने का ये एक बहुत आसान और बहुत ही क्विक प्रोसेस है। जब भी आपको अगर फ्लफी एग ऑमलेट खाना हो तो आप एग वाइट को अलग से अगर बीट करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी फ्लफी हो जाता है। और योक को अलग से बीट करूँगा। और दोस्तों, योक के अंदर में मैं ये अपना चॉप ऑनियन वगैरह नहीं डालूँगा, सिर्फ इसी के अंदर में एग वाइट को ही बीट करने के बाद में मैं इसमें फिक्स करूँगा। ये देखिए कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है ना। और अगर हम इसको विस्कर से या इसको मशीन में डालें विस्क करने के लिए, तो ये ऑलमोस्ट मैराइन जैसा बहुत डबल हो जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी हो रहा है ना। देखिए दोस्तों, ये मेरा ऑलमोस्ट पूरा बॉल ही भर गया इसको बीट करने में। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको विस्क मशीन में डालूँ तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा जैसे हम मैराइन के लिए बनाते हैं। तो ये बस, ये देखिए अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें डाल दूँगा ये अपना सारा चॉप ऑनियन और ये अपना टमाटो और हरी मिर्च, और इसको मैं एक बार अच्छे से आपस में मिला दूँगा ताकि ये एक दूसरे का अता पता आराम से पूछ ले। और ये येलो को मैं इनको भी अलग से बीट कर लूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी मैं बना जब ये ऑमलेट बनाऊँगा, ये कोरियन स्टाइल स्ट्रीट ऑमलेट जिसको मैं एग रोल में कन्वर्ट करूँगा या बनाऊँगा जो आपके साथ शेयर करूँगा, तो ये मैं अलग से क्यों बीट कर रहा हूँ ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए, ये उतना नहीं उठता जितना कि वाइट उठ जाता है, कुदरत का प्रोसेस है सर। तो लीजिए दोस्तों, ये तो मेरी तैयारी हो गई और अब मैंने पैन भी यहाँ पर तवे अपना गर्म रखने के लिए रख दिया है। इसमें आप दोस्तों मक्खन लीजिए, ऑयल लीजिए या ऑलिव ऑयल लीजिए, ये टोटली आपके ऊपर है।
मैंने ऑलिव ऑयल लिया। अब मैं इसके अंदर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना गायरन मारी कोरियन स्ट्रीट एग रोल ऑमलेट। दोस्तों बिल्कुल ही स्लो फायर पे इसको हमने लेयर बाय लेयर डालना है, ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना है, ताकि हम इसको रोल कर सकें जिस तरीके से वहाँ पर ये लोग करते हैं। इसको दोस्तों ध्यान से हमने इसको रोल करना शुरू कर देना है, ये देखिए, और ये जैसे हम अपना पेड़ा रोल करते हैं ना, बस वैसे ही रोल करते चले जाना है हमने। लीजिए दोस्तों, ये मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पर रोल बनना। अब इसी के आगे मैं ये बाकी एंड जो एग बीट किया हुआ है ये मैं इसमें डाल दूँगा, फिर ये एक साथ नहीं डालूँगा, ये देखिए। और अब इसको मैं फिर से स्लो फायर पे ही इसको भी मैं फैला दूँगा, और उसके बाद इसको भी जैसे ये पीछे रोल किया है इसी रोल को इसी के अंदर में मैं रोल करूँगा, ये देखिए। तो लीजिए, अब इसको मैं धीरे से इस पर रोल कर दूंगा, और इसी तरह मैं इसको जैसे हम स्विस पेस्ट्री के लिए रोल करते हैं ना, वैसे मैं पूरा का पूरा एग इधर को पूरा का पूरा रोल कर दूंगा। दोस्तों जैसे ये रोल हो रहा है ना, इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करना है, ताकि ये शेप तो ले ही ले और अंदर से पक भी जाए। और अब इसी के आगे मैं अपना ये लास्ट वाइट डाल दूंगा, ये देखिए, और इसको भी मैं फैला दूंगा। अब दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक, जब ये ऑमलेट अब यहाँ तक रोल हो गया, अभी मैंने अपना येलो नहीं डाला है, हमने इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरीके से इसको शेप देना है, ये देखिए, और इसको इसी तरीके से इसका रोल बनाते हुए हमने इसको चारों तरफ से उलट पलट के बहुत जेंटली इसको हमने सेक लेना है, ये देखिए, ये देखिए एक शेप आ गया ना रोल का। अभी देखिए कैसा फर्स्ट क्लास शेप आ गया ना इसका रोल का। अब हम इसको जब हमने शेप दे दिया है, तो अब इस तरह से इसके ये जो एजेस बन गए हैं, ये अब हमको हर तरफ से सेकने में हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, और ये अंदर तक भी अच्छे से पकेगा, ये देखिए। ये कितना शानदार लग रहा है ना बनता हुआ। इसी तरह से इसको उलटते पलटते सपोर्ट देते हुए हम चारों तरफ से एक बार रोस्ट इसको ऐसे ही पका लेंगे, ये देखिए अपनी शेप पे खड़ा होना शुरू हो गया ना। और अभी मेरा येलो बचा है, उसको मैंने अलग से क्यों बीट किया था अब मैं बताता हूँ। येलो कलर जब इसके ऊपर रोल होगा तो इसका जो लुक आएगा वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, खाने वाले को भी देख के खाने में आनंद आएगा, सुंदर लगेगा, देख के खाएगा देखने में सुंदर लगेगा। तो पहले आँखों से खाएगा, फिर स्वाद तो बनाए नहीं बनाओ तो बाद में बताएगा। लीजिए दोस्तों, अब मैं इसके आगे ये अपना एग योक इसके आगे मैं लेयर के लिए लगा दूंगा, ये देखिए सारा एक बार में नहीं आया, और इसको भी मैं हल्की आंच पे हल्का हल्का फैला दूंगा, ताकि ये इसके ऊपर जब मैं इसको कवर करूं तो ये अच्छे से कवर हो जाए, ये देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पहला योक इसके ऊपर में कवर कर दिया, और बाकी भी मैं अब इसके आगे डाल दूंगा, ताकि ये बाकी को भी कवर कर ले, और उसके बाद जो इसकी खूबसूरती बन के आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको झटपट रोल करके। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा कोरियन गायरन मारी एग ऑमलेट जो वहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल में बनाया जाता है, ये मेरा तैयार हो गया। बस इसको अब मैं एक बार अच्छे से चारों तरफ से एक बार और सेक लूँगा, और देखिए येलो की कितनी अच्छी लेयर आई है ना, और कटने के बाद में जब मैं इसके रोल्स काटूँगा तो अब इसकी खूबसूरती कहाँ पर होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बस मैं यूँ किया और यूँ आया, ये देखिए दोस्तों, ये बस शेप लेने की वजह से अपने आप ही ये अपने उस पर खड़ा हो गया। और अब इसको मैं चारों तरफ से एक बार उलट पलट के हर तरीके से सेक लूँगा। लीजिए दोस्तों, ये मेरा गायरन मारी कोरियन ऑमलेट एग रोल एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। बस इसको मैं झटपट निकाल के सर्व करता हूँ। इसको मैं सीधा प्लेट में ही निकाल लूँगा सर्व करने के लिए, और यहीं पर इसके मैं स्लाइसेस काट लूँगा रोल करने के लिए। माफ़ करना, रोल तो बना हुआ है, रोल को काट के यहीं पर इसको मैं प्रेजेंट कर दूंगा। इसको मैंने थोड़ा सा वेल्डन बनाया है, बस अब इसके मैं स्लाइस काट लूँगा, ये देखिए कितने आराम से कट रहे हैं स्लाइस, और ये देखिए। और अभी तो जब इसको मैं पलट के आपके साथ शेयर करूँगा तब देखिएगा इसका जलवा, ये देखिए कट गया ना, ये देखिए दोस्तों कितना ही शानदार आया है ना।
और खाने वाला तो इसको आंखों से ही पहले खा जाएगा। वही देखिए कितना खूबसूरत बना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ। तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।